मुझे डिस्टर्ब हुई है और फिर मेरा जाने हो फिर मैं कैंसिल हो बड़ा प्रोग्राम होगी। सुबह नई सुबह की नई शुरुआत के साथ करेंगे आज का नया ब्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अपन लोग भी मस्त हैं। और चलिए आज हम चल रहे हैं, कहाँ का प्रोग्राम है आज हमारा? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं प्रोग्राम है हमारा, तो चलिए ध्रुव भी निकल गया आगे। और ये देखिए ध्रुव, दीपशिखा, ये रेडी हो गए हैं। दीपशिखा को इसका डांस क्लास छोड़ देंगे और हम लोग चले चलेंगे। चलिए चाबी भी ले लें और चप्पल भी है। मेरे चप्पल कहाँ रखे तूने? लोग तुम ऊपर ले गई थी मेरी चप्पल। गाड़ी की चाबी ले आई मैं। चलो फिर, चलो भाई, चल चल चल, रूप निकालेगा आज गाड़ी बाहर और दीपशिखा चलाएगी, मैं बैठूंगा। है आप लोग चलाओगे, मैं बैठूंगी। अच्छा, मेरे को चलिए गेट लगा दे। मैंने क्या बगल में रखा था, मैंने बोल था फोन ले लो अपना। ढीलापन भूल जाता है ना तू। कितने बजे आना है पता नहीं, कॉल कर दूंगी मेरे को फोन है वो देख ले, उसमें बैग में रखा है। फोन होगा ये कैसे याद कर रहे हो? नहीं मेरे पास पता नहीं क्या होगा। ठीक है, फोन कर दियो मेरे को। हैं, चलो दीपशिखा भी निकल गई है और हम लोग निकलते हैं। ये हम ग्राफी वगैरह से आगे निकल चुके हैं। ये एयरपोर्ट का गेट है। ये हम ले नंबर 1 को पोस्ट ऑफिस वाली रोड से बुद्धा टेम्पल की ओर हम निकलेंगे हम लोग। चलिए अब मान, ये बुद्धा टेम्पल की ये रोड, ये रोड जाती है आगे को, तो हम निकल रहे हैं, आगे ही निकल रहे हैं। और ये गुब्बारे वाले भी हैं जी, कैसे दे रहे हो गुब्बारे? अभी 10 रुपये का, ये 50 रुपये 10 का है, 50 का है। हाँ भाई, फूल वाले। ये बहुत के हैं। और ये देखिए भाई, यहाँ पर ये लगा रहे हैं गाड़ियों को। पार्किंग ये गेट है, यहाँ तक हम पहुँचे पर हमारे पास खुला पैसा नहीं था। यहाँ पर ये लोग हैं, ये पैसा ले रहे हैं पर हम पेटीएम से दे रहे थे, पेटीएम इनके पास है नहीं, तो फिर हमने गाड़ी पीछे लगा दी अपनी, वहाँ तो पूरा पीछे लगा दी। और क्या होगा, चल। और ये गेट है, इस गेट से बस हम अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे। मुख्य जो है मंदिर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह ये है, साफ सुंदर और वो हरा भरा एक गजब का ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए बेहतरीन फोन मिलेगा आपको ये, पर ये है इस बारिश में, क्या नहीं है, हाँ पानी साफ नहीं है। और ये आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर, यहाँ पर ये फोन मिलता है। और देखिए बहुत सारे लोग मंदिर के दर्शन के लिए और मंदिर देखने के लिए आए हैं। और मंदिर के ठीक पीछे ना गाइस, ये देखिए कुछ लोग छाता लेके जा रहे हैं। और ये आगे पूरे छोटे छोटे मंदिर, बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ा मंदिर यहाँ पर फिर है ये सामने,
और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग दर्शन के लिए भी आ रहे हैं और देखने के लिए भी आ रहे हैं। ये देखिए यह भाई मंदिर का स्वरूप बुद्धा टेंपल है ये, और ये देखिए ये बेहतरीन जो है प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, ये दिखाएंगे और देख सकते हैं। और इसके बगल में ये भी एक टेंपल है, छोटा टेंपल, और यहाँ पर लिखा प्लीज़ डू नॉट साइड हियर, यहाँ ना बैठें, यहाँ बैठना मना है। और ये देखिए बहुत सारे बच्चे सब लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए ये रास्ता है, रास्ते की दाईं तरफ आपको बहुत ये देखिए ये छोटे छोटे पेड़ भी हैं यहाँ पर, बहुत बेहतरीन जंगल सा बना रखा है रास्ते के दाएं बाएं और दोनों ओर नीचे तक। ये है ध्रुव, धर्म चक्र है ये, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। धर्म चक्र यह मंदिर का बैक साइड देख सकते हैं, ये बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े पेड़ हैं यहाँ पर, घना जंगल है एकदम। और ये देखिए ये पूरा मंदिर के पीछे का भाग, और ये रास्ता है पब्लिक के चलने के लिए, और ये मंदिर के पीछे वाला भाग है, और इससे सीधे हम आगे की ओर निकलेंगे, हम सीधे आगे। ये है मंदिर की सीढ़ी, सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं हम। ये देखिए एक मिनट ये मुख्य गेट। गाइस मैं मंदिर के अंदर दर्शन करके आया, वहाँ की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ भगवान जी की तो, और फिर मंदिर के मुख्य गेट से मैं पूरा व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो गाइस तो हम मंदिर आए और मंदिर के दर्शन किए, चारों तरफ हमने देखा, बहुत ही गजब का, और मंदिर बहुत ही गजब का मंदिर है। जब भी आप आए यहाँ पर और तो ज़रूर यहाँ पर एक बार आप बुद्धा टेंपल आएँ। और हम मंदिर के अंदर गए दर्शन के लिए, फिर हमने वहाँ पर वीडियो बनाई, लेकिन हमने परमिशन लिया, और आप लोग भी जब भी आएँ तो परमिशन लें और वीडियो बनाएं। तो बहुत ही बेहतरीन सुंदर जगह है और चारों तरफ जंगलों से भरा हुआ, बहुत ही गजब का आप देख सकते हैं, चारों तरफ पूरी हरियाली मिलेगी, साफ स्वच्छ, और स्वच्छता के लिए तो नंबर एक माना जाता है। आप देख सकते हैं तमाम जो है हजार सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, जो भी बुद्धा टेंपल को देखने के लिए और दर्शन के लिए आए हैं, और यहाँ पर आके एक मन की शांति भी मिलती है। और ये देहरादून का एक पर्यटक स्थल है, और पर्यटक स्थलों में गिना जाता है, बहुत सुंदर जगह है, और देश विदेश से भी लोग यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, और जो कि दर्शन के लिए भी आते हैं। चलिए गाइस हम पूरे मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, चारों तरफ जो इसके सराउंडिंग में है उसके चारों तरफ से हम आ गए हैं दर्शन करके, और हम अब निकलेंगे आगे की तरफ और दिखाएंगे कि कितना साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पर। यह बुद्धा कैंटीन है, ये कैंटीन है अंदर, यहाँ सारा सामान मिलता है यहाँ पर। चलिए हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे से नहीं वाला एंट्री है, एंट्री तो नहीं, लेकिन जो ये मंदिर हमने आपको दिखाया ना गाइस, ये है बौद्धिस्ट लोगों का। गाइस आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके, तो गाड़ी हमारी बाहर है, वो पार्किंग, क्योंकि पार्किंग के लिए खुला पैसा चाहिए था, खुला था नहीं हमारे पास, ऑनलाइन ही था, ऑनलाइन यहाँ होता नहीं है। और ये दिखाएंगे इसकी चारों तरफ का, ये है देखिए पीछे वाला गेट ये, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, यहीं पर जो है एंट्री कर रहे हैं लोग। चलिए अब निकलते हैं धीरे धीरे। चलिए यहाँ पर भी है आगे एक मंदिर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ से, और हम लोग भी निकलते हैं, और ये बच्चे भी बहुत, कॉलेज वाले बहुत सारे बच्चे पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। और चल रहा है ओपन, अभी
रेस्टोरेंट टाइप के हैं छोटी छोटी ना। और ये देखिए ये फूल की क्यारी, यहाँ फूल के पेड़ बड़े। वाह ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो ये देखिए ये कुछ अलग हट के कुछ मिलेगा आपको देखने को। पहले अंदर घुमाएं, यहाँ चले। ये देखिए कुछ और हट के अलग आपको बहुत एक सुंदर और एक बहुत बड़ा आकार इसका दिखेगा, चुका भगवान जी का। और ये पीछे देखिए ना, बहुत से लोगों का झंडे, बहुत सारे झंडे, क्योंकि इन्हीं की आबादी है यहाँ पर, यही लोग यहाँ रहते हैं। और ये गोल गोल ये घूमने वाले भी बना रखे हैं, वो घुमा रहे हैं लोग इनको, जा रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर से हम दिखाएंगे ना आपको, और यहाँ का जो बौद्धिस्ट लोगों का मंदिर है ना, ये देखिए ये चारों तरफ बहुत ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है। ये वो आगे तक मिलेगा, वहाँ तक गए थे ना थ्रू हम लोग पीछे, और वहाँ से ऐसे दिखाएंगे पूरी जंगल से ढका हुआ है पूरा। ये देखिए आप, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, सुंदर जगह पर है, रमणीय जगह पर। सो गाइस, आज पूरा आपको मैंने पूरा मंदिर के दर्शन कराए और भगवान जी के दर्शन कराए। बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत भीड़ पहुँची हुई है। और इसके बाद हम धीरे धीरे घर को निकलेंगे, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों। Oh, 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 oh